हिमाचल प्रदेश एथलेटिक्स संघ द्वारा आयोजित प्रदेश स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में हमीरपुर के खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए ओवरऑल रनर अप ट्रॉफी जीतने में सफलता हासिल की है। जिला एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष पंकज भारतीय ने विजेता खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने जिला के सभी एथलेटिक्स प्रशिक्षकों, अभिभावकों तथा खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि उनके अथक मेहनत लगन से ही ये बेहतर परिणाम संभव हो पाया है। आपको बता दें कि प्रतियोगिता में हमीरपुर के खिलाड़ियों ने 16 स्वर्ण, 13 रजत तथा 6 कांस्य पदक जीतने में कामयाबी हासिल की। हमीरपुर जिला ने पहली बार ओवरऑल रनर अप ट्रॉफी भी जीती है। वहीं पिछले साल जिला की टीम तीसरे स्थान पर रही थी तथा इस बार महज 2 अंकों से ही वे चूकी है। टीम के कोच के रूप में तरप्रिष्ट ठाकुर व मैनेजर के रूप में अनिल शर्मा गए हुए थे। प्रतियोगिता में अंडर 14 में गुरु सिरमन ने 100 मीटर व 600 मीटर में 2 स्वर्ण पदक जीते। बबीता ठाकुर ने 100 मीटर और 600 मीटर में 2 स्वर्ण। नमन ने लंबी कूद में स्वर्ण पदक जीता। अंडर 16 में 100 मीटर में कौस्तुभ ने 100 मीटर और 200 मीटर में स्वर्ण पदक जीते। आर्यन संख्या ने 200 मीटर में कांस्य पदक जीता तो वहीं आरुष ने लंबी कूद में रजत पदक जीता। दिव्या वर्मा ने 100 मीटर और 200 मीटर में स्वर्ण पदक जीता। ओजस ने शॉटपुट में कांस्य पदक जीता। अंडर 18 में लड़कियों के वर्ग में 100 मीटर और 200 मीटर में रंजना शर्मा को रजत तथा पूजा को कांस्य पदक मिला। 800 मीटर में ऋचा शर्मा ने रजत तथा 1500 मीटर में शिवाली ने स्वर्ण पदक जीता। नैन्सी ने शॉटपुट में स्वर्ण पदक जीता है। लड़कों के वर्ग में राजीव ने 200 मीटर में रजत पदक, विशाल कुमार ने कांस्य पदक जीता। अंडर 20 लड़कियों के वर्ग में 100 मीटर और 200 मीटर में मनीषा ने रजत तथा आदिति ने कांस्य पदक जीता। लड़कों के वर्ग में रोहित ने लंबी कूद में स्वर्ण पदक। साहिल ने अंडर 20 में लड़कियों के वर्ग में 100 मीटर, साहिल ने 1500 मीटर में रजत पदक जीता। 800 मीटर में पीयूष ने स्वर्ण पदक व साहिल ने रजत पदक जीता है। महिला वर्ग में प्रिया ने 100 मीटर में स्वर्ण पदक तथा 200 मीटर में रजत पदक जीता। पुरुष वर्ग में सचिन ने 200 मीटर में रजत पदक, रोहित चौहान ने शॉटपुट में भी रजत पदक जीता। जिला ऊना के सभी प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में स्कूली बच्चों के साथ गाड़ियों को पेट्रोल पंप ले जाने पर पाबंदी लगा दी है, जिसको लेकर उपायुक्त राकेश प्रजापति ने आदेश जारी किया है। अक्सर ऐसा देखने को आया है कि स्कूल बसों के ड्राइवर बच्चों को बस में बिठाने के बाद डीजल भरवाने के लिए पेट्रोल पंपों पर बसें खड़ी करते हैं, जो कि बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं है। डीसी ने सभी निजी व सरकारी स्कूलों के प्रधानाचार्यों को इस संदर्भ में निर्देश जारी किए हैं कि जिले में इस समय छोटे और बड़े 96 निजी स्कूल हैं और कई बड़े प्राइवेट शिक्षण संस्थान हैं, जो कि बच्चों को लाने और छोड़ने के लिए निजी वाहन का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि सभी स्कूल प्रधानाचार्य इन आदेशों की पालना करें। ऐसा न करने की स्थिति में स्कूल बस के चालक, परिचालक के साथ साथ प्रधानाचार्य के विरुद्ध भी कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वहीं डीसी के निर्देशों का लोग भी खुलकर समर्थन कर रहे हैं। लोगों की माने तो कई बार पेट्रोल पंप पर भी गाड़ी में तेल भरवाते समय हादसा होते रहते हैं, इसलिए बच्चों की सुरक्षा को लेकर ये जो फैसला लिया गया है ये बिल्कुल ही सही फैसला है। सोलन में जेबीटी कर रहे विद्यार्थियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि जेबीटी प्रशिक्षकों का हक बीएड कर चुके युवाओं को दिया जा रहा है, जो उनके साथ अन्याय है। वे इसके खिलाफ काफी समय से आवाज उठा रहे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार और शिक्षा मंत्री ने भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है, इसलिए मजबूरन आज सड़कों पर उतरकर हड़ताल करनी पड़ रही है। धरना प्रदर्शन कर रहे जेबीटी प्रशिक्षकों ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि उन्हें छोटी कक्षाओं को पढ़ाने की विशेष शिक्षा दी जाती है और 2 सालों से वह छोटे बच्चों को पढ़ाने में बिल्कुल निपुण हो जाते हैं, लेकिन अब ये फैसला आया है कि बच्चों को बीएड कर चुके युवा भी पढ़ा सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये निर्णय बिल्कुल गलत है और जेबीटी प्रशिक्षकों के हितों के खिलाफ है, इसलिए वे जब तक ये निर्णय वापस नहीं लिया जाएगा उनका यह संघर्ष जारी रहेगा। सोलन में 5 जिलों की पुलिस ने सोलन में
रेंज स्तर पर थाना प्रभारियों के साथ बैठक आयोजन किया। बैठक की अध्यक्षता डीजीपी एसआर मरंडी ने की। इस दौरान पिछले वर्ष की तुलना में हुए अपराधों को लेकर पांचों जिले सिरमौर, शिमला, बद्दी, सोलन और किन्नौर की वर्तमान अवस्था पर विस्तार से चर्चा की गई और तुलना में पाया गया कि करीब सभी प्रकार के अपराधों में कमी आई है और नशे से जुड़े अधिक अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया है। इस मौके पर डीजीपी एसआर मरंडी ने बताया कि हिमाचल पुलिस को सीएसडीएस द्वारा करवाए गए फेयर इन पुलिस सर्वेक्षण में पहला, ट्रस्ट इन सीनियर ऑफिसर्स व पुलिस कार्यों में तेजी में दूसरा और ट्रस्ट इन पुलिस वर्ग में चौथा स्थान हासिल हुआ है, जो कि हिमाचल पुलिस के लिए गर्व की बात है। उन्होंने बताया कि हिमाचल में भय मुक्त वातावरण बनाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। यही वजह है कि पुलिस की मुस्तैदी से हिमाचल में अपराध का ग्राफ पिछले वर्षों की तुलना में नीचे आया। उन्होंने बताया कि कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए 112 हेल्पलाइन नंबर जारी किया जा चुका है। वहीं यातायात नियंत्रण के लिए ई चलान आरंभ किए जा चुके हैं। इसके तहत अगर कोई व्यक्ति बार बार नियमों की अवहेलना करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और बड़े जुर्माने के साथ उसका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। जल्द ही हिमाचल पुलिस अपनी ऐप भी लॉन्च करने जा रही है, जिसमें कोई भी व्यक्ति गुप्त सूचना पुलिस को भेज सकता है।